आज जो विषय हम लेकर आए हैं वो है यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस। तो डॉक्टर, शुरुआत करते हैं हमारे पहले प्रश्न से। तो सबसे पहले डॉक्टर, हम और हमारे लिसनर्स ये जानना चाहेंगे कि यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस आम भाषा में क्या है, ताकि हमारे जो लिसनर्स हैं वो इसे समझ सके और ये प्रॉब्लम क्या है उस बारे में हमें बताएं। यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस होता है इनवॉलेंट्री और अनइंटेंशनल पैसेज ऑफ यूरिन विच इज ऑब्जेक्टिवली डेमोंस्ट्रेबल एंड लीडिंग टू दी सोशल और अनहाइजीनिक कंडीशंस इन डे टू डे एक्टिविटी। इसका मतलब ये रहता है कि भी आप किसी फीमेल को एकदम यूरिन पकल जाए और उसे आने से पहले नहीं पता हो कि उसे यूरिन आ रहा है और उससे स्मेल आने लग जाए, हाइजीनिक कंडीशंस में प्रॉब्लम आए, दिस इज कॉल्ड एज यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस। तो डॉक्टर, जैसे आपने इसकी डेफिनेशन हमें समझाई, तो अगर बात करें इसके टाइप्स की, तो इसमें भी कुछ टाइप्स होते हैं अलग अलग प्रकार के, कितने प्रकार के होते हैं अगर होते हैं तो? इसमें अगर हम मेन उस पे देखें तो 5 तरह का होता है यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस। ओके। जिसमें से 3 वेराइटीज मेजर होती हैं। जी। सबसे पहली वेराइटी को हम स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस कहते हैं। इसमें पेशेंट को यूरिन पास होता है, बट जब उसको हंसने पे, छींकने पे या जोर से बात करने पे अगर यूरिन निकल जाए पेशेंट का, उसको हम स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस कहते हैं। इसमें पेट के पे जोर पड़ता है, इन तीनों चीज़ों में, हंसने पे और छींकने पे और आपके खांसने पे, तीनों चीज़ों पे पेट पे जोर पड़ता है, जिसकी वजह से पेशेंट के ब्लैडर पे जोर पड़ता है और ब्लैडर मसल्स वीक होने की वजह से यूरिन निकल जाता है। इसमें पेशेंट यूरिन का जो लीकेज होता है वो काफ़ी कम मात्रा में होता है, मगर वो कपड़े ख़राब कर सकता है। दूसरे टाइप का इनकॉन्टिनेंस होता है अर्ज इनकॉन्टिनेंस। लेडी को लगता है कि मुझे यूरिन आ रहा है, अर्ज होती है अंदर से, मगर जब तक वो यूरिन पास करने की कंडीशंस होती हैं, कोई फेवरेबल प्लेस होता है, टाइम होता है, या वो पहुंचती है वॉशरूम तक, तब तक उसका यूरिन निकल जाता है। तो इसमें आपको पहले से अर्ज आती है मगर आप कंट्रोल नहीं कर पाते और आपका यूरिन निकल जाता है, दिस इज अर्ज इनकॉन्टिनेंस। तीसरा होता है आपका ओवर एक्टिव ब्लैडर सिंड्रोम होता है, जिसमें आपको पता ही नहीं चलता और यूरिन निकल जाता है। ना तो आपको पहले फीलिंग आती है, ना कोई आपकी बॉडी पे स्ट्रेस होता है और आपका यूरिन निकल जाता है। ये आमतौर पे जो रात को सोते टाइम यूरिन निकलता है, ये उन पेशेंट्स का। बाकी 2 तरह के प्रकार होते हैं, जैसे फंक्शनल इनकॉन्टिनेंस होता है। कुछ डिसेबल्ड पेशेंट्स होते हैं जो अपने किसी मेडिकल कंडीशन की वजह से उठ के नहीं जा सकते वॉशरूम, और उनको प्रेशर पड़ता है और उनका यूरिन निकल जाता है। जी। और 5th टाइप का है जिसका कोई रीज़न नहीं है, उनको कोई इन्फेक्शन, सोशल आपकी आउटकास्ट टाइप की फीलिंग आपको आने लग जाती है कि भी इफ़ यू आर स्मेलिंग बैड तो डेफिनेटली नोबडी वुड लाइक टू कम नियर यू। तो इन 2 ही चीज़ों से फीमेल ज़्यादा तंग होती हैं, और बार बार यूरिन लीक होने से उनको यूरिन में इन्फेक्शन भी हो सकता है, और यूरिन इन्फेक्शन की वजह से भी इनकॉन्टिनेंस हो सकता है, बट यूरिन इन्फेक्शन इसकी वजह से भी हो सकता है। तो मेनली तो हाइजीन प्रॉब्लम एंड सोशल प्रॉब्लम्स आती हैं, इसका यही मेन साइड इफेक्ट है। जी जी डॉक्टर। तो डॉक्टर, आई थिंक हमारे जितने भी महिलाएं हैं उनको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है अपने ध्यान रखने की इस प्रॉब्लम में, कि उनको हाइजीन मेंटेन रखनी चाहिए। सबसे ज़्यादा आई थिंक इम्पॉर्टेंट यही, अगर हाइजीन मेंटेन रहेगी तो आई थिंक ये प्रॉब्लम्स इतनी अकर या इतनी ज़्यादा नहीं होंगी। नहीं, हाइजीन का ऐसा है कि भी अगर आपके कंट्रोल में नहीं है, आपका यूरिन लीक हो रहा है, तो आप मतलब आप जितनी बार भी चेंज करेंगे अपने अंडरगारमेंट्स, फिर भी आपको मतलब वो फिर दोबारा लीक हो जाएगा। जी, जी। तो आपको पता नहीं चलेगा, तो उसके वो आप उसमें कुछ कर नहीं सकते हैं। जी, जी, उसके लिए आपको बेसिकली यू नीड ट्रीटमेंट। जी जी, आई थिंक उसको उस वक्त ऐसी स्थिति में उनको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। जी जी मैम। अच्छा डॉक्टर, एक चीज हम और जानना चाहेंगे, क्या ये जो प्रॉब्लम है ये इन्फेक्शियस प्रॉब्लम है? क्या ये मतलब ऐसा होता है कि अगर मान लीजिए फैमिली में किसी को ऐसा रहा हो, तो क्या ये ऐसा भी रहता है कि नहीं, एक दूसरे से हो सकती है किसी को ये प्रॉब्लम? हाँ, ये प्रॉब्लम एक दूसरे से नहीं हो सकती। इट इज नॉट अ फॉर्म ऑफ इन्फेक्शन, बिल्कुल भी नहीं। ये जैसे मैंने बताया है कि भी आपके ही अपनी बॉडी के मसल्स वीक हो जाते हैं अंदर, जिसकी वजह से यूरिन पे कंट्रोल नहीं रहता है। हाँ, या आपके स्पाइनल कॉर्ड से सिग्नल, आपके जो बैकबोन है उसे प्रॉपर सिग्नल्स नहीं आ रहे हैं, तो बेसिकली आपकी बॉडी की वीकनेसेस की वजह से ये प्रॉब्लम होती है। कुछ बहुत रेयर केस
केसेस हैं जिनमें जेनेटिक डिफेक्ट हो सकता है, बाय बर्थ प्रॉब्लम हो सकती है, जी, कोई हेरिडिटी में ट्रेवल कर रहा हो सकता है, बट वो भी इन्फेक्शन के अंडर नहीं आता है. Okay. कि भी कोई जेनेटिक वीकनेस है, बाय बर्थ ही वीकनेस है, मसल्स प्रॉपरली बने नहीं बाय बर्थ, तो उन गर्ल्स में बाय बर्थ ही प्रॉब्लम हो सकती है और अदरवाइज इसमें कोई इन्फेक्शन का रोल नहीं है. जी जी डॉक्टर. तो हमारे जितने भी लिसनर्स ये प्रोग्राम सुन रहे हैं, इन बातों का ध्यान रखिए, जैसा कि अभी डॉक्टर ने बताया कि ये प्रॉब्लम जो है वो इन्फेक्शियस नहीं है. तो डॉक्टर एक चीज़ अब मैं और जानना चाहूँगी, जैसे आजकल बच्चे जो हैं या गर्ल्स की अगर हम बात करें तो जैसे हॉस्टल लाइफ में रहते हैं, उनकी हॉस्टल लाइफ ज़्यादा रहती है क्योंकि पढ़ने के लिए जॉब के लिए उन्हें ज़्यादातर बाहर जाना पड़ता है. तो एक चीज़ अभी मैं इस चीज़ को आपसे पूछना चाहूँगी, जैसे बहुत देर तक अगर वो कंट्रोल रखती हैं यूरिन को, तो क्या ये भी कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है उनके शरीर में? हम हमेशा कहते हैं कि भी यूरिन बहुत देर तक रोक के मत रखिए, क्योंकि यूरिन इज़ अ वेरी गुड कल्चर मीडियम फॉर बैक्टीरिया. आपका ब्लैडर जो होता है वो स्टोरेज ऑर्गन है, उसकी एक अपनी कैपेसिटी रहती है. जी. वो 500 ml तक यूरिन स्टोर कर सकता है. आप 500 ml के बाद उसमें यूरिन ज़्यादा स्टोर होने लगा तो आप यंग एज में तो आपको वो प्रॉब्लम ऐसे नहीं देगा कि वो लीक नहीं होगा. जी, जी. वो थोड़ा सा और डिस्टेंट हो जाएगा और उसमें कलेक्ट हो जाएगा और आप उसके बाद जब भी आपको सुटेबल प्लेस मिलता है आप पास कर सकते हैं. बट अब अगर आप इंटेंशनली आप यूरिन को बार बार रोक के रखेंगे तो वहाँ पे इन्फेक्शन होने का, यूरिन इन्फेक्शन होने का बहुत रिस्क होता है. वो यूरिन इन्फेक्शन नीचे की तरफ ट्रेवल भी कर सकती है, वो ऊपर की तरफ यूरेटर्स और किडनी की तरफ भी ट्रेवल कर सकती है. तो ब्लैडर एक बीच में ऑर्गन, स्टोरेज ऑर्गन, वहाँ से अगर नीचे की तरफ इन्फेक्शन आएगा तो आपको बार बार आपका यूरिन लीक होना शुरू हो जाएगा. अगर वो इन्फेक्शन ऊपर की तरफ जाएगा किडनी में, किडनी की तरफ को ट्रेवल करेगा तो आपको किडनी में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, बहुत मेजर प्रॉब्लम्स आ सकती. विद टाइम आपका जो ये यूरिन सिस्टम है, यूरिनरी सिस्टम है, इसमें मतलब कि आपको काफ़ी प्रॉब्लम्स आने लग जाएंगी. आपके बॉडी का सारा जो कॉमन लैंग्वेज में अगर हम लेमन लैंग्वेज में कहें, योर वेस्ट मटेरियल जो कि पानी में डिजॉल्व हो जाता है, वो किडनी वहाँ से बॉडी में से निकाल के उसको यूरिन के वाया यूरिन इन द फॉर्म ऑफ यूरिन बॉडी से एक्सक्रीट करता है. Okay. तो अगर आप उसको वेस्ट मटेरियल को जिसमें हार्मफुल प्रोडक्ट्स हैं अगर आप बॉडी के अंदर रखेंगे जी ज़्यादा देर तक, तो डेफिनेटली उसमें इन्फेक्शन होने का बहुत रिस्क है. और वो अभी जैसे मैंने बताया कि इन्फेक्शन ऊपर या नीचे जाने से दोनों तरफ से हार्म हो सकता है. जी. यंग गर्ल्स को पहले तो नहीं प्रॉब्लम आएगा क्योंकि बॉडी इतनी अडेप्टेबल होती है कि वो मतलब काफ़ी देर तक उसको मैनेज कर सकते हैं. जी जी. बट लेटर ऑन आफ्टर 5-6 years और ये एक हैबिट बन जाती है यूरिन को रोकने की, हाँ जी, तो फिर डेफिनेटली वो लेटर ऑन प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है. जी डॉक्टर, जैसे आपने बताया ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं कौन कौन सी प्रॉब्लम्स फेस करती हैं, लेकिन अगर हम चाहें, हम तो चाहते हैं कि हमारी बहनें ये प्रॉब्लम फेस ना करें, तो उसके लिए क्या क्या प्रिकॉशंस ये ले सकती हैं? इसके लिए जैसे हम हमेशा कहते हैं डॉक्टर्स की प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर. जी. तो प्रिकॉशंस कहिए या प्रिवेंशन कहिए एक ही बात है. इसमें हमें वही अवॉइड नंबर ऑफ प्रेगनेंसीज. ओके. आप हम दो, हमारे दो जैसे हमेशा से कहते आए हैं. जी. नॉट मोर देन 2 प्रेगनेंसीज. उसके बाद आप अपना लाइक एक्सरसाइज को अपना लाइफ का एक रूटीन बनाइए. जी. आपके सारे मसल्स, बैक मसल्स, एब्डोमिनल मसल्स, इवन आपके नीचे पेल्विक फ्लोर मसल्स भी स्ट्रांग होने चाहिए. जी. अगर आप रूटीन में एक्सरसाइज करेंगे, वॉक करेंगे जी, तो ये आप इस प्रॉब्लम को काफ़ी हद तक बचा सकते हैं. जी. उसके बाद आपकी कोई भी अगर आपको क्रॉनिक कफ रहता है, जैसे मैंने बताया स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस, कफ और स्नीजिंग एंड लाफिंग, जिनसे आपके पेट पे जोर पड़ता है. जी. तो अगर आपको किसी भी क्रॉनिक कफ के आपको प्रॉब्लम है, मोर देन 3 weeks ऑफ कफ, तो डेफिनेटली फिजिशियन को दिखाइए और उनका कंसल्ट लेके ट्राई टू गेट इट क्योर्ड. क्योंकि हमें कफ के साथ एक हैबिट पड़ जाती है, कोई बात नहीं कफ है थोड़ी सी कर ली, बट नहीं, उससे आपके ब्लैडर पे काफी फर्क पड़ता है. उसके बाद आपको कोई लंग कंडीशन है, कोई लंग की प्रॉब्लम है, कोई सांस की तकलीफ है, उसके लिए भी आप दिखाइए. डायबिटिक्स में भी ये स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस, डायबिटिक्स में भी मसल्स वीक हो जाती हैं, नर्व्स वीक हो जाती हैं, जिसकी वजह से ये इनकॉन्टिनेंस की प्रॉब्लम आ सकती है. तो अगर आप डायबिटिक हैं तो डेफिनेटली
अपना शुगर कंट्रोल में रखिए जी। इसी तरह से कोई भी मेडिकल प्रॉब्लम, कोई आपको नर्व की प्रॉब्लम्स, बैकएक की प्रॉब्लम है, स्पाइनल कॉर्ड की प्रॉब्लम है, तो आप डेफिनेटली अपने फिजिशियन और सर्जन को कंसल्ट कीजिए। मेडिकल प्रॉब्लम्स, आप किसी कोई मेडिकेशन ले रहे हैं किसी लॉन्ग डिजीज के लिए जी, तो उसका भी रेगुलर टाइम पे आप वो लेते रहिए कि भी आपको इसकी प्रॉब्लम ना आए। और जो लेडीज मेनोपॉज में चले जाती हैं, उनके लिए एक्सरसाइज और हेल्दी लाइफस्टाइल जी एडवाइजेबल है जी। और अगर उनको कहीं पे भी किसी भी टाइम यूरिन की कोई भी प्रॉब्लम लगती है तो इमीडिएटली गायनेकोलॉजिस्ट को कंसल्ट कर जी। डॉक्टर, आशा करती हूँ हमारे जितने भी लिसनर्स ये प्रोग्राम सुन रहे हैं वो इन बातों पर ध्यान देंगे, जो जो बातें अभी डॉक्टर दीपशिखा ने बताई। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट, आप अपनी फिजिकल एक्टिविटी कीजिए, अपनी डाइट का भी ध्यान रखिए कहीं ना कहीं। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है, आजकल इतनी ज्यादा अवेयरनेस है, हर जगह आपको डॉक्टर्स मिलेंगे, इतनी ज्यादा एडवांसमेंट है, अगर आपको कोई भी छोटी सी प्रॉब्लम लगती है आप उसे इग्नोर ना कीजिए, क्योंकि छोटी छोटी प्रॉब्लम ही आगे जाकर बड़ी हो जाती है। तो आप छोटी छोटी बातों के लिए भी आप अपनी डॉक्टर्स को कंसल्ट कर सकते हैं। तो डॉक्टर, आपने प्रिकॉशंस की बात की, प्रिकॉशंस हम आशा करते हैं हमारे सभी बहनों ने या जितनी भी गर्ल्स ये प्रोग्राम सुन रहे हैं उन्होंने ध्यान से सुनी होगी। तो अगर इसका ट्रीटमेंट हम जानना चाहें, अगर मान लीजिए किसी को ये प्रॉब्लम हो जाती है तो इसका ट्रीटमेंट किस प्रकार होता है और कितना समय लग जाता है लगभग? ट्रीटमेंट में दो चीजें आती हैं, पहले तो आपके राइट डायग्नोसिस जी, भी आपको किस टाइप का इनकॉन्टिनेंस है ओके। उसके बाद उसका इन्वेस्टिगेशन होगा जी, और उसके बाद उसका ट्रीटमेंट पार्ट आता है ओके। तो डायग्नोसिस के लिए आप गायनेकोलॉजिस्ट या इनसे इनके आगे फर्दर स्पेशलाइजेशन यूरोगायनेकोलॉजिस्ट की होती है जो इसी फील्ड में डील करते हैं, आप उनको दिखा सकते हैं जी। आप हेजिटेट ना कीजिए कि आपका यूरिन लीक हो रहा है, दिस इज अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम जी। अबाउट 40-50% लेडीज को, फीमेल्स को ये प्रॉब्लम होती है जी। तो अगर आपको कभी भी लगता है कि भी आपको यूरिन लीकेज की प्रॉब्लम लग रही है या आपके अंडर गार्मेंट्स वेट हो रहे हैं जी, तो आप अपने डॉक्टर के पास जाएंगे, वो आपको सबसे पहले एक डायरी मेंटेन करने के लिए कहेंगे ओके। आप उनके पास जाने से पहले भी एक डायरी मेंटेन कर सकते हैं जिसमें आपने लिखना होता है कि भी आपने किस टाइम पे कितना फ्लूइड लिया, उसके बाद आपने कब यूरिन पास किया, कितना अमाउंट पास किया, दिन में कितनी बार आप यूरिन पास करने गए और कितनी बार आपके क्लोज वेट हुए जो आपको लगा, और आपको कितनी बार सेंसेशन आए कि भी अब मुझे यूरिन आ रहा है जी, और आप वॉशरूम तक नहीं पहुंच सके और आपका यूरिन निकल गया जी, या कोई भी एक्टिविटी करने पे जब यूरिन निकला तो आप क्या एक्टिविटी उस टाइम कर रहे थे जी। ये कुछ 4-5 चीजें हैं जिनका आप 7 डेज का रिकॉर्ड बना के अपने डॉक्टर के पास लेके जाइए जी। वो उसको चेक करेंगे, फिर आपका चेकअप होगा, आपके मसल्स की स्ट्रेंथ को देखा जाएगा जी। उसके बाद कुछ इन्वेस्टिगेशंस, यूरिन इन्वेस्टिगेशन लिखी जाएंगी जी। और इसके आगे और भी बहुत मेजर टेस्ट होते हैं, वो डिपेंड कि आपका कितना प्रॉब्लम मेजर है जी जी। उसके बाद आपकी डॉक्टर आपको बताएंगे कि आप किस टाइप ऑफ इनकॉन्टिनेंस से सफर कर रहे हैं जी, तो उसके अकॉर्डिंगली ट्रीटमेंट दिया जाएगा। ट्रीटमेंट में मेडिकल, सर्जिकल एंड सबसे पहले मेडिकल सर्जिकल तो होता ही है जी, मगर आपके पास एक एक्सरसाइज का ऑप्शन होता है, कीगल एक्सरसाइजेस होती हैं, स्पेशल फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज हैं जी। इन एक्सरसाइज से हम पेल्विक फ्लोर मसल्स को स्ट्रॉन्ग करते हैं ओके। और उसके लिए ऐसे करना होता है कि एक सिंपल सा तरीका मैं आपको बताती हूँ जी। आप ऐसे इमेजिन कीजिए कि भी आपके वेजाइना के नीचे एक मार्बल रखा हुआ है जी, और आपने उस मार्बल को अंदर की तरफ खींचना है वेजाइना से, तो एक मतलब सकिंग रिफ्लेक्स करना है वेजाइना से जी। और आपने मार्बल को अंदर नहीं लेके जाना, जस्ट यू हैव टू इमेजिन कि आपने उसको अंदर खींचा जी। यू हैव टू काउंट टिल 3 जी, देन यू हैव टू रिलीज दैट मार्बल, मतलब आपने अपने मसल्स को छोड़ना है ओके। और फिर उसके बाद फिर से आपने काउंट ऑफ 3 करना है रिलैक्सेशन फेज में जी, देन अगेन यू हैव टू डू दैट मूवमेंट अगेन काउंट 3, ऐसे आपने 10 times करना है जी। और इस तरह का सेट आपने दिन में कम से कम 3 times करने हैं, मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून। ये आप कहीं पे भी कर सकते हैं, आप कोई भी काम कर रहे हैं, किचन में काम कर रहे हैं, आप बैठे हैं, आप टीवी देख रहे हैं, ये किसी भी पोजिशन में कर सकते हैं, बस ये आप सोते टाइम नहीं आप ये कर सकते ओके। तो ये एक्सरसाइज से आपके पेल्विक फ्लोर मसल स्ट्रांग होते हैं और आपकी 80% ऑफ आपकी जो कॉन्टिनेंस, इनकॉन्टिनेंस की प्रॉब्लम है वहीं पे ट्रीट हो जाती है जी जी। उसके बाद इसके मेडिकल ट्रीटमेंट भी आते हैं, बहुत तरह की मेडिसिन आती हैं जिससे हम ट्रीट कर सकते हैं, और अगर मेडिसिन को रिस्पॉन्ड ना करें तो हम सर्जिकल ट्रीटमेंट के लिए भी जा सकते हैं।
ओके okay. दोस्तों देखिए, जैसा कि अभी डॉक्टर दीपशिखा ने बताया, आप किसी भी प्रॉब्लम के लिए, खास करके अगर महिलाओं को मैं यही कहना चाहूंगी, अगर आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हेजिटेट ना करें, शर्माएं नहीं, बिकॉज आप ये जो कोई भी ऐसी प्रॉब्लम्स होती है वो आपको आपके शरीर पर बहुत ज्यादा हार्म इफेक्ट कर सकती है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आपके लिए कर सकती है। तो इसीलिए अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है रिगार्डिंग दिस, तो आप डेफिनेटली अपने डॉक्टर्स को कंसल्ट कर सकते हैं और आप सेहतमंद रह सकते हैं। तो डॉक्टर, आज का शो हम समाप्त करने से पहले हमारे जितने भी लिसनर्स हैं, खास करके हम महिलाओं के लिए कहना चाहेंगे, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगी? मैं अपने सारे फ्रेंड्स को यही कहना चाहूंगी कि भी इनकॉन्टिनेंस, यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस ऐसी प्रॉब्लम नहीं है जिसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। इसके हर टाइप का ट्रीटमेंट अवेलेबल है, सिर्फ आपको राइट टाइम पे इसको अपने डॉक्टर को कंसल्ट करना है जी। डोंट हेजिटेट टू गो टू द डॉक्टर, इसमें कोई टाय फील करने वाली बात नहीं है। और ये किसी भी एज में इसका ट्रीटमेंट हो सकता है, यंग, मिडल एज और इवन मेनोपॉजल लेडीज का भी ट्रीटमेंट हो सकता है जी। प्लीज डोंट सफर फ्रॉम दिस प्रॉब्लम। आप अपनी हाइजीन और अपने सोशल उसको मत खराब कीजिए। तो आप इसका, अगर आपको जरा से भी कोई यूरिन की प्रॉब्लम लगती है तो इमीडिएटली अपने डॉक्टर को कंसल्ट कीजिए। साथ में अपने वेट को अंडर कंट्रोल रखिए, अपनी मेडिकल प्रॉब्लम्स को अंडर कंट्रोल रखिए और इसके लिए अपने डॉक्टर के पास जरूर जाइए। तो थैंक यू सो मच डॉक्टर कि आज आपने इतने अहम टॉपिक पर हमारे सभी जो यंग गर्ल्स हैं या जितनी भी महिलाएं ये प्रोग्राम सुन रही हैं, उनको आपने इस टॉपिक पर उनको अवेयर किया। एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर।